अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरबको में स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड व्हाट कपलर फिटिंग मस्ट बी यूज टू सिक्योर अ रनर लेजर टू अ पोस्ट और स्टैंडर्ड। जो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग होता है उसमें जो पोस्ट और रनर को कनेक्ट करने के लिए किस इसका फोल्डिंग फिटिंग का या कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन राइट एंगल कपलर, एडजस्टेबल कपलर, बेरर कपलर, गार्डर कपलर। तो ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग में रनर और पोस्ट को कनेक्ट करने के लिए राइट एंगल कपलर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वीडियो आपको नजर आ रहा है इमेज में, ये पोस्ट है और ये हॉरिजॉन्टल पोस्ट है, इसको रनर है। इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो आपको कपलर नजर आ रहा है इसको हम लोग राइट एंगल या फिर डबल कपलर बोलते हैं या फिर 90 डिग्री कपलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है और ये 90 डिग्री पे होता है। व्हेन कनेक्टिंग पोस्ट इन अ ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड व्हाट इरेक्शन प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में दो पोस्टों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्कैफोल्डिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। जॉइंट मस्ट बी इन द सेम लिफ्ट, joint must be made with double coupler, joint must be made with several coupler, joint in adjacent post must be staggered। जो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में दो पोस्टों को जॉइंट करने के लिए क्या एक प्रोसीजर होता है कि जो पोस्ट होते हैं ना दोनों, उसके जो एडजेसेंट पोस्ट होते हैं उसमें जॉइंट नहीं होने चाहिए, उस लिफ्ट में नहीं होने चाहिए। तो पोस्ट लिफ्ट जो होता है वो सेकेंड लिफ्ट में, जैसे आप ये जो इमेज नजर आ रहा है इसमें ये एक पोस्ट है, ये जो है पोस्ट जो है जॉइंट किया गया है, ये जॉइंट पोस्ट का निशान दिया हुआ है, इसमें मार्किंग दिया हुआ है। तो इस लिफ्ट में कोई भी इसके जो नियर बाई है ना एडजेसेंट, जैसे ये हो इसका जो ये पोस्ट है ये एडजेसेंट है और ये पोस्ट जो है इसका एडजेसेंट है, ये पोस्ट के जॉइंट जो है इस वाले पोस्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं इस वाले पोस्ट में होना चाहिए सेम लिफ्ट में। ये दूसरा जो उसके थर्ड लिफ्ट में देखेंगे, ये देखिए ये जो जॉइंट किया हुआ ये पोस्ट को दूसरे पोस्ट के साथ इस किया है, लेकिन इसका जो एडजेसेंट पोस्ट है ये और इसका जो एडजेसेंट पोस्ट इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, तो जॉइंट जो है एडजेसेंट पोस्ट में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। वेयर मस्ट रनर बी इंस्टॉल ऑन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में रनर या फिर लेजर कहाँ पे इस्तेमाल किया, कहाँ पे लगाया जाता है। एवरी बे अक्रॉस द विड्थ ऑफ द स्कैफोल्ड, एवरी अदर बे अक्रॉस द विड्थ ऑफ द स्कैफोल्ड, एवरी बे अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द स्कैफोल्ड, एवरी अदर बे अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ द स्कैफोल्ड। तो जो रनर जो होता है यानी लेजर जो होता है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में एवरी बे में लेंथ के हिसाब से लगाया जाता है। तो आंसर इज एवरी बे अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ स्कैफोल्ड। ऑन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिफ्ट मस्ट बी नो मोर देन। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में जो वर्टिकल जो हमारा लिफ्ट होता है उसका जो मैक्सिमम हाइट उससे कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.1 मीटर, 1.8 मीटर। ये जो इमेज में आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारा स्कैफोल्डिंग है, ये इसमें जो है एक लिफ्ट से दूसरे लिफ्ट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो लिफ्ट नज़र आ रहा है ये बेस लिफ्ट है, इसको फर्स्ट लिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो बेस लिफ्ट से फर्स्ट लिफ्ट का जो हाइट है जो मैक्सिमम 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर मस्ट बी बियरर एंड बोर्ड बियरर बी इंस्टॉल ऑन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में बियरर या फिर बोर्ड बियरर कहाँ पे इस्तेमाल किया, कहाँ पे लगाया जाता है। अंडर नेथ रनर, अलोंग साइड रनर, डायगोनली, ऑन टॉप ऑफ रनर। ये जो स्कैफोल्डिंग का जो आप नज़र आ रहा है ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बोर्ड, ये जो है बियरर है, ये भी बियरर और ये जो नज़र आ रहा है ये बोर्ड बियरर है। ये जो हमेशा जो होता है वो रनर के ऊपर में लगाया जाता है। ये आपको जो ये नज़र आ रहा है ये रनर है, रनर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रनर है, ये भी रनर है, और जो ये बियरर और बोर्ड बियरर जो है हमेशा रनर के ऊपर में ही लगाया जाता है, ऑन टॉप ऑफ रनर। व्हाट मस्ट बी डन व्हेन मेकिंग जॉइंट इन रनर इन अ ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में रनर यानी लेजर को इंस्टॉल करने का क्या प्रोसीजर है। The joint must be made with single coupler. The joint must be in the same lift height. The joint must be made with several coupler. The joint must not be in the same way. तो ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ये इस इमेज में ये जो रनर है ना, ये रनर जो है इसका जो जॉइंट है वो सेम बे में नहीं होना चाहिए,
सेम बे में, ये इसको हम बे बोलते हैं, ये जो है हमारा ये बे है, ये जो एक पोस्ट, ये दो, ये जो चारों स्क्वायर है ना, इसको हम लोग बे बोलते हैं। इस बे में रन जो जॉइंट है वो रनर का नहीं होना चाहिए, वो दूसरे बे में होना चाहिए। अब कोई जैसे एक स्कैफोल्डिंग के एक अलग अपना स्टेप्स प्रोसीजर है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग का। जब आप ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में जाएंगे तो बहुत ही डीपली पता चलेगा, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही होते हैं। तो अभी सिर्फ हम में जो है वो प्रोसीजर को, जो हमारा एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रनर है वो किस बे में इंस्टॉल किया, तो सेम बे में इंस्टॉल नहीं किया जाता है। What type of coupler must be used to join bracing tube? किस प्रकार का coupler का इस्तेमाल किया जाता है bracing tube को join करने के लिए? End to end coupler, single coupler, right angle coupler, girder coupler। तो tube and coupler scaffolding में दो ब्रेसों को join करने के लिए हमेशा end to end या फिर sleeve coupler का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक तरफ से, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड कपलर या फिर स्लिप कपलर। ये जो है जॉइंट एक इस साइड से लगाया जाता है और एक इस साइड से लगा करके वो क्लैंपिंग को कपलिंग किया जाता है। तो हमेशा जो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में ब्रेसिंग को, ब्रेसिंग ट्यूब को ज्वाइन करने के लिए एंड टू एंड कपलर या फिर स्लिप कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। What is the height of base lift on a tube and coupler scaffolding? Tube and coupler scaffolding में base lift का height maximum कितना होना चाहिए? 225 mm, 300 mm, 150 mm, 100 mm। तो बेस लिफ्ट क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल से जो पहला लिफ्ट होता है उसको हम लोग बेस लिफ्ट बोलते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल और यहाँ से जो हाइट, ये जो हमारा बेस लिफ्ट है, इसको बेस लिफ्ट या फिर किकर लिफ्ट भी बोलते हैं। बेस लिफ्ट या फिर किकर लिफ्ट दोनों सेम ही होता है। ये कन्फ्यूजन पॉइंट होता है कि कभी क्वेश्चन में पूछता है बेस लिफ्ट या फिर कभी किकर लिफ्ट बोलता है, तो दोनों ही सेम होता है, बेस लिफ्ट बोले या फिर किकर लिफ्ट बोले। बेस लिफ्ट जो होता है हमेशा सिस्टम स्कैफोल्डिंग में यूज किया जाता है वर्ड, और किकर लिफ्ट जो होता है वो ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो बॉटम जो ग्राउंड लेवल से जो पहला लिफ्ट होता है उसको हम लोग बेस लिफ्ट बोलते हैं। उसका जो हाइट होता है वो कम से कम 6 इंच होना चाहिए। वेयर मस्ट बियरर बी इंस्टॉल इन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग? ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में जो बियरर है वो कहाँ पे लगाया जाता है? टू पोस्ट इन एवरी बे अक्रॉस द विड्थ, टू पोस्ट इन एवरी अदर बे अक्रॉस द विड्थ, टू पोस्ट इन एवरी बे अलोंग द लेंथ, टू पोस्ट इन एवरी अदर बे अलोंग द लेंथ। तो जो बियरर है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में अक्रॉस द विड्थ लगाया जाता है, वो हर बे में अक्रॉस द विड्थ लगाया जाता है। इन ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग द डिस्टेंस अ बियरर कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ रनर मस्ट बी एट लीस्ट। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में जो बियरर का जो कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 225 mm, 300 mm, 150 mm, 100 mm। तो पहले ये जानते हैं कि बियरर की, ये जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जब बनाते हैं ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में तो उसमें हम लोग पाइप ट्यूब का जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बियरर बोलते हैं, या फिर बोर्ड बियरर जो बीच में होता है उसको बोर्ड बियरर बोलते हैं। तो ये जो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ बाहर होता है, रनर या रनर से कुछ बाहर होता है, वो मिनिमम जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है इमेज में, ये जो यहाँ से जो यहाँ तक आया हुआ, जो प्लेटफॉर्म से बाहर निकला हुआ, वो इसके बारे में पूछा गया, वो कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इसका जो कम से प्रोसीजर है वो मिनिमम जो है वो 4 इंच होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म से जो बाहर है ये बियरर या बोर्ड बियरर, जो मिनिमम जो है 4 इंच होना चाहिए। If two posts are joined, they must not be. अगर दो पोस्टों को joined किया जाए तो वो होना नहीं चाहिए। Opposite in same lift, side by side in the same lift, in the same length, in the same width. तो ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, इस इमेज में जो नजर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इमेज, ये जो दो पोस्टों को अगर joined करते हैं तो वो जो हमेशा है वो adjacent में होना चाहिए, वो same lift में नहीं होना चाहिए, same lift में नहीं होना चाहिए।
In tube and coupler scaffold, if bearer or coupled runner, the distance from the post to bearer must not be more than. अगर ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग में बियरर को रनर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो वो पोस्ट जो है वो बियरर वो कितना दूर नहीं होना चाहिए? 1200 mm, 600 mm, 900 mm, 300 mm. तो पोस्ट से जो बियरर जो रनर का जो होता है वो डिस्टेंस वो 12 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 300 mm. स्कैफोल्ड प्लैंक विदाउट क्लेट मस्ट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड सपोर्ट बाय एट लीस्ट. स्कैफोल्डिंग प्लैंक जो होता है जब प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो वो उसका जो मैक्स बाहर कम से कम कितना होना चाहिए? 50 mm, 150 mm, 100 mm, 300 mm. तो ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ये प्लेटफॉर्म हम लोग कंस्ट्रक्ट किया, प्लेटफॉर्म से ये जो बोर्ड जो नज़र आ रहा है ये जो बाहर निकला हुआ, तो कम से कम जो है ना वो मिनिमम जो है वो बोर्ड जो है 6 इंच होना चाहिए. ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा रनर है, ये पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट या ट्यूब है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है. तो ये प्लेटफॉर्म से जो नज़र आ रहा है बाहर ये मिनिमम जो है 6 इंच कम से कम होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए. स्कैफोल्ड प्लैंक मस्ट नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड सपोर्ट बाय मोर देन. स्कैफोल्डिंग प्लैंक जो होता है वो बाहर कितना ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म से. 200 mm, 450 mm, 300 mm, 610 mm. तो ये जो इमेज में नज़र आ रहा है ये प्लेटफॉर्म जो है वो वर्टिकल पोस्ट से ये जो बाहर जो नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम जो है 12 इंच है. मिनिमम 6 इंच होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 4 इंच होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे न कम होना चाहिए 6 इंच से, नहीं 12 इंच से ज़्यादा होना चाहिए. हाउ कैन गैप ऑफ मोर देन 600 mm ऑन द प्लेटफॉर्म बी कवर्ड. अगर कोई प्लेटफॉर्म के बीच में गैप 2 फीट या फिर 600 mm से ज़्यादा है तो उसको कैसे कवर करेंगे? कवर विथ 1/2 इंच प्लाईवुड ओवरलैपिंग बाय 200 mm. कवर द गैप विथ एटलीस्ट 2 टीन शीट. कवर विथ 1 इंच प्लाईवुड ओवरलैपिंग बाय 200 mm. कवर द गैप विथ क्रॉस प्लैंक बोर्ड. अगर कोई भी गैप 2 फीट या 600 mm या उससे ज़्यादा है तो उसको हमेशा क्रॉस प्लैंक से कवर करेंगे. द गैप बिटवीन स्कैफोल्ड प्लैंक मस्ट बी नो मोर देन. जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स है उसमें प्लेटफॉर्म में उसके गैप दो प्लैंकों के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो कितना होना चाहिए? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 150 mm, 50 mm, 75 mm, 25 mm. तो प्लेटफॉर्मों के बीच में जो दो प्लैंकों के बीच में जो गैप है वो मैक्सिमम जो है 1 इंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा गैप होगा तो फिर उसको क्रॉप प्लैंक को कवर करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म को कवर करना पड़ेगा. The height of tow board must be at least. Tow board का जो height है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 100 mm, 200 mm, 150 mm, 230 mm. ये जो आपको scaffolding नज़र आ रहा है इसमें ये जो platform है ये platform के ऊपर में जो नज़र आ रहा है इसको हम लोग tow board बोलते हैं. इसका जो काम होता है कोई भी tools या फिर कोई भी equipment गिरे नहीं, इसके लिए हम लोग ये टो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. और टो बोर्ड का जो मीन वर्टिकली जो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वर्टिकली है, इस डायरेक्शन में वर्टिकली, इसका जो मिनिमम जो है कम से कम जो हाइट है वो 4 इंच होना चाहिए, मिनिमम 4 इंच होना चाहिए. द थिकनेस ऑफ वुडन टो बोर्ड मस्ट बी एट लीस्ट. जो टो बोर्ड है उसका जो थिकनेस कम से कम कितना होना चाहिए? 13 mm, 35 mm, 25 mm, 230 mm. ये जो आपको टो बोर्ड नज़र आ रहा है इसका जो थिकनेस होता है वो कम से कम जो है 1 इंच होना चाहिए, टो बोर्ड का थिकनेस 1 इंच होना चाहिए कम से कम. व्हाट इज द विथ ऑफ एन एक्सेस ओपनिंग ऑफ इंटरनल लैडर ऑफ अ स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म. इंटरनल लैडर अगर हम लोग कोई भी स्कैफोल्डिंग में लगाते हैं तो उसका जो विड्थ है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 450 mm, 2 planks, 900 mm, 4 planks, 675 mm, 3 planks, 225 mm, 1 plank. तो इंटरनल लैडर जब भी हम लोग लगाते हैं तो उसका जो विड्थ जो है कम से कम जो है ओपन होना चाहिए वो 27 इंच, 675 mm या फिर 3 planks. ये इस तरह से ये क्वेश्चन में कभी mm में ये क्वेश्चन जो होता है कभी 675 mm होगा या फिर कभी ये इंच में मेंशन करेगा कि 27 इंच या फिर कभी
थ्री प्लैंक्स, टू प्लैंक्स में या फोर प्लैंक करके मेंशन करेगा, इसलिए मैंने इसमें तीनों आंसर डाले हुए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इंटरनल लेडर का जो विड्थ है वो 675 mm या 27 इंच या फिर थ्री प्लैंक्स, ये कम से कम होना चाहिए। The size of opening in wire mesh screen used to protect worker from falling object must be no more than, ये जो mesh wire होता है, जो कभी हम लोग क्लैंप कहीं पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं अगर वहाँ पे क्लैंपिंग पॉसिबल नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग mesh wire इस्तेमाल करते हैं ताकि वो scaffold प्लेटफॉर्म जो है वो मूव ना करे। तो उसका जो साइज क्या होना चाहिए, 3 mm, 13 mm, 7 mm, 19 mm। तो ये जो आपको इमेज में जो नजर आ रहा है ये ब्लैक कलर का, ये इसको हम लोग मेस वायर बोलते हैं। ये इसको, इसका जो काम होता है ये प्लेटफॉर्म को मूव करने से बचाने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो डायमेंशन है, डायमीटर है, वो 13 mm का कम से कम मेस वायर होना चाहिए। जो वायर ये देख रहे हैं लेसिंग जो किया हुआ है, ये जो बांधा हुआ है जो वायर को, ये ब्लैक जो नजर आ रहा है प्लेटफॉर्म को, ये इसका जो डायमीटर है वो 13 mm है, वो कम से कम 13 mm होना चाहिए। The vertical distance clearance between the bottom of the toe board, जो वर्टिकली जो हाइट है उसका जो बॉटम और टो बोर्ड का जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 0 mm, 6 mm, 3 mm, 13 mm। तो जो वर्टिकल टो बोर्ड जो होता है उसका जो क्लियरेंस होना चाहिए कम से कम 6 mm होना चाहिए। जब भी जो रंग्स होते हैं ना, रंग्स और उसके बीच में कम से कम 6 mm होना चाहिए वर्टिकली। In tube and coupler scaffold, the distance between post and slip coupler joint in runner not more than. Tube and coupler scaffolding में जो distance होता है post और जो slip coupler का जो joint होता है runner में, वो कम से कम कितना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। 1200 mm, 600 mm, 900 mm, 300 mm। तो कम से कम जो distance है वो slip coupler का joint runner में और पोस्ट के बीच में जो दरमियान होना चाहिए वो 300 mm या 12 इंच का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।